हेलो माय स्टूडेंट्स, कोरोना की वजह से हम अपनी क्लासेस कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हम अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे। सो आज हम पढ़ेंगे क्लास फिफ्थ का चैप्टर नंबर 1, दैट इज़ ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम द सीड्स। ये हमें पता है प्लांट्स हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट हमें उनसे ऑक्सीजन मिलती है, जो हमारी लाइफ लाइन है। तो उस ऑक्सीजन की वजह से, ऑक्सीजन मिलने की वजह से हम प्लांट्स को अपनी लाइफ लाइन भी कह सकते हैं। लेकिन हमें पता है हम बहुत सारे सीड्स को वेस्ट भी करते हैं, ख़राब हो जाते हैं, लेकिन फिर भी प्लांट्स कंटिन्यू ग्रो करते रहते हैं। कैसे करते रहते हैं? न्यू प्लांट्स फ्रॉम सीड्स। क्या किया जाता है? पहले सीड को सो करते हैं, मिट्टी में उगाया जाता है, उसे प्रॉपर कंडीशंस मिलती हैं। कंडीशंस क्या हैं उनके लिए? एयर, वाटर एंड प्रॉपर सनलाइट। ये कंडीशंस होती हैं सीड को अच्छे से ग्रो करने के लिए। उसके बाद जब उसे कंडीशन मिलती है तो जर्मिनेशन होता है। जर्मिनेशन मतलब सीड से एक नया प्लांट बनना। लेकिन जर्मिनेशन को समझने से पहले हमें सीड की स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए, जो हम आज अच्छे से करेंगे। जब जर्मिनेशन होता है सीड का, तो उससे क्या बनता है? टाइनी बेबी प्लांट। उससे एक बेबी प्लांट निकलता है, और फिर वो छोटा सा बेबी प्लांट किस में चेंज हो जाता है? एक बिग प्लांट में, बड़े प्लांट में। देखिए, प्लांट्स हैं वो सब अलग अलग अपने पार्ट से उग सकते हैं। जैसे हम जब सीड्स के अलावा वो अपने किसी पार्ट से उगता है, तो हम उसे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं। लेकिन इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि वो सीड्स से कैसे जर्मिनेट करते हैं, सीड्स से कैसे ग्रो करते हैं। जो ओल्ड प्लांट्स होते हैं, जो पहले ग्रो कर चुके हैं, बिग बन चुके हैं, उनके क्या आते हैं? फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, जिसमें से हमें क्या मिलता है? सीड। बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ सीड्स मिलते हैं हमें उसमें से। और जब उन सीड्स को हम प्रॉपर कंडीशन देते हैं, तो वो बिग प्लांट में चेंज हो जाते हैं, प्लांट में। लेकिन उनमें से बहुत सारे प्लांट हैं, वो बहुत सारे सीड्स हैं, वो प्लांट में चेंज नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। किससे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं? हवा से। मतलब हवा के साथ वो कहीं चले गए, या ब्रेकेज हो गया हवा, और उन्हें प्रॉपर कंडीशंस नहीं मिल पाती। हैवी रेन से, ज़्यादा पानी, ज़्यादा मॉइस्चर भी बीज सीड्स को ख़राब कर देता है। उसके बाद इंसेक्ट्स भी सीड्स को खा जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा, रैट है, वो गेहूँ रखा हुआ है, वीट रखा हुआ, उसे ख़राब कर देते हैं। और वीट भी एक टाइप का क्या है? सीड है, जिससे हम नई क्रॉप्स उगाते हैं वीट की। तो इंसेक्ट्स भी ख़राब कर देते हैं, या फिर दूसरे एनिमल्स भी सीड्स को ख़राब कर देते हैं, जिसकी वजह से सीड्स ग्रो नहीं कर पाते। लेकिन हमें सीड के जर्मिनेशन को पढ़ने के लिए हमें आना क्या चाहिए? सीड की स्ट्रक्चर। सीड की स्ट्रक्चर हमें पता होनी चाहिए। अगर हमें सीड की स्ट्रक्चर पता होगी, तो ही हम जर्मिनेशन को समझ पाएंगे। जर्मिनेशन क्या होता है? देखिए, सीड्स होते हैं टू टाइप के सीड्स होते हैं, मोनोकोट एंड डाइकोट। मोनोकोट सीड्स क्या होते हैं? जिसमें कोटिलीडन मतलब सीड लीव है, वो एक ही होते हैं। सीड लीफ एक ही होता है, जैसे वीट। वीट को हम टू पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते, तो वो क्या है? मोनोकोट सीड है। डाइकोट होते हैं, जिसमें टू सीड लीव्स होते हैं, जैसे कि ग्रैम, बीन। इनमें क्या है? हम उसे दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे सीड की स्ट्रक्चर। ये है सीड की स्ट्रक्चर। सबसे पहले जो बाहर कवरिंग होती है, बाहर की कवरिंग होती है, जैसे आपने घर में देखी होगी, मूंग की दाल भी देखी होगी, उस पर क्या है? ग्रीन कलर की कवरिंग होती है, वो क्या है? सीड कोट है। सीड कोट, वो क्या होती है? सीड कोट। उसका फंक्शन क्या है? सीड को प्रोटेक्ट करना। जब भी हार्श कंडीशन आती हैं सीड के लिए, मतलब ऐसी कंडीशंस आना जिसमें सीड ग्रो नहीं कर पाता, उससे बचने के लिए क्या होता है? सीड कोट होता है, जिसे हम आउटर कवरिंग भी बोलते हैं। आउटर कवरिंग ऑफ सीड इज कॉल्ड सीड कोट। ठीक है,
इसके दूसरे जो मेन पार्ट हैं वो क्या हैं, कोटिलीडन। कोटिलीडन मतलब ये दोनों जो पार्ट हैं ये हैं कोटिलीडन्स, जिन्हें हम सीड लीव्स भी बोलते हैं, सीड लीव्स भी बोलते हैं। इन सीड लीव्स का क्या काम होता है, ये बेबी प्लांट को फूड देते हैं, फूड फॉर द बेबी प्लांट, स्टोर करके रखते हैं ये फूड को, क्योंकि जब तक सीड एक प्लांट में न्यू लीव्स नहीं आते वो फोटोसिंथेसिस स्टार्ट नहीं हो सकता। तो फोटोसिंथेसिस स्टार्ट नहीं होगा तो तब तक वो फूड कहाँ से लेगा, कहाँ से लेगा, वो कोटिलीडन से, जो सीड जर्मिनेट करता है, जो टाइनी बेबी प्लांट है या प्लांट ग्रो करने वाला है वो कहाँ से लेगा, कोटिलीडन्स मतलब सीड लीव से अपना फूड लेता है वो, ये फूड स्टोर करके रखते हैं कोटिलीडन्स ताकि उन्हें खाना मिल सके। है, और यहाँ पे ये क्या है, बेबी प्लांट, क्या है ये बेबी प्लांट, जब भी सीड को प्रॉपर कंडीशन मिली, प्रॉपर कंडीशंस में क्या है, प्रॉपर एयर मिली, प्रॉपर वाटर मिला, फूड मिल रहा है कोटिलीडन से, और प्रॉपर वार्म्थ मतलब गर्मी जो उसे चाहिए, जो सनलाइट से उसे मिल रही है, उसकी वजह से सीड बेबी प्लांट जब स्टार्ट करता है तो वो ऐसे ग्रो करना स्टार्ट करता है, जिससे इसमें से एक रूट का पार्ट बनेगा और दूसरा शूट का पार्ट बनेगा। तो ये है हमारी सीड स्ट्रक्चर। जर्मिनेशन समझने के लिए हमें पहले सीड स्ट्रक्चर आनी ही आनी चाहिए। तो आप पहले क्या करेंगे, अपनी अपनी नोटबुक्स उठाइए और उसमें सीड स्ट्रक्चर बनाइए, सीड स्ट्रक्चर बनाइए और उसको चेक कीजिए। सीड स्ट्रक्चर मैं फिर से बता रही हूँ, जो सबसे बाहर की कवरिंग है उसे हम बोलते हैं सीड कोट, उसका काम होता है प्रोटेक्शन करना, सीड को प्रोटेक्ट करना। और जो इसके लीव्स होते हैं, मान लो हम ग्राम को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, चने को, घर में चना सबने देखा है, उस चने को जब हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जो वो दोनों पार्ट्स हैं वो क्या है, कोटिलीडन्स। उन कोटिलीडन्स का काम क्या है, फूड को स्टोर करके रखना बेबी प्लांट के लिए, और जो फिर बेबी प्लांट है वो आगे जाके एक बिग प्लांट बनेगा। पहले आपको सीड स्ट्रक्चर समझ में आनी चाहिए और ख़ुद रफ नोटबुक में सीड स्ट्रक्चर बनाइए, ये आपका होमवर्क है और आपको करना ही करना है। इसके नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे हम जर्मिनेशन की स्टेजेस। थैंक यू।